बिहार का कोई ऐसा पुलिस का या हम लोगों का कोई रोल नहीं है कि हम सीबीआई की बात करें, वो इन्वेस्टिगेट करना। हाँ, अगर जो केस दर्ज किए उनकी तरफ से अगर आएगा कि मामले को सीबीआई को सपोर्ट किया जाए, तभी ना उसके बाद कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ आगे उनके सुझाव पर कुछ कर सकते। ये आवाज बिहार के सीएम नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार ने बिहार तक से बात करते हुए कहा कि सुशांत के पिता चाहेंगे तो केस की सीबीआई जांच संभव है। एक बार फिर सुनिए बिहार तक से नीतीश कुमार ने क्या कहा। महाराष्ट्र पुलिस जो सहयोग नहीं कर रही है उसको लेकर क्या आप क्या महाराष्ट्र सरकार से बातचीत करेंगे? भाई, इतना बात हो गया, इसके बाद इसमें करना चाहिए उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और ये पूरी केस कर दिया कि बिहार की पुलिस का नहीं रोल, बिहार की पुलिस का बिल्कुल लीगल रोल है। अगर एफआईआर दर्ज होगा तो बिहार पुलिस को करना है जी। और ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है। तो ऐसी स्थिति में तो जहां कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग गए हैं तो मदद करनी चाहिए लोगों को, ये सबका ड्यूटी है। बिहार कोरोना और बाढ़ से त्रस्त है, लेकिन सूबे के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक सुशांत को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग की। जब सीएम और डिप्टी सीएम सुशांत मामले में व्यस्त हैं, तो मंत्री और प्रवक्ता कहां पीछे रहने वाले थे। अब मंत्रियों से लेकर पार्टी प्रवक्ता तक सब सुशांत सिंह राजपूत केस को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के बजाय आज रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ी दिख रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर पटना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, अधिकारियों का दल मुंबई में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के असहयोगात्मक रवैये की वजह से जांच दल को कठिनाइयां आ रही है। और जब चूंकि 45 दिनों में मुंबई पुलिस कोई एफआईआर तक नहीं कर सकी, तो उसे पटना पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मुंबई गए पुलिस अधिकारियों के दल को सहयोग करना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण पर जो उनकी चुप्पी है वो खत्म करके गुनाहगारों को सामने ला करके उन्हें दंडित करने में उन्हें पहल करनी चाहिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत देश के जाने माने कलाकार थे, बिहार के लाल नहीं देश के लाल थे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहल पर जब केस में बिहार पुलिस मुंबई रवाना हुआ, और मुंबई में जिस तरह बिहार पुलिस के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जैसे लगता है कि अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहा है। कैदी भान में बिठाया जाता है, उसको व्हीकल का अरेंजमेंट नहीं किया जाता है। जब हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार क्यों भाग रही है? कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक लगता है इसमें कि महाराष्ट्र पुलिस क्यों भाग रही है, क्यों नहीं सीबीआई को दे रहा है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये इसलिए नहीं दे रहा है कि इसमें बड़े बड़े लोग का संलिप्तता है। अगर सीबीआई को जाएगा तो बड़े बड़े लोगों का नाम उजागर होगा और इसमें बड़े लोग फंसेंगे, लेकिन इसको नहीं दिया जा रहा। देश का मांग है, मान सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड हुआ है, निश्चित तौर इसकी हत्या हुई है, निश्चित तौर पर इसकी हत्या हुई है, और हम लोग मांग भी करते हैं कि सीबीआई जांच हो। बिहार में 14 जिलों की 1012 पंचायतों के 46 लाख लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। रोजाना बांध टूट रहे हैं, लोग बाढ़ में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को दो वक्त का भोजन मिलना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ के साथ कोरोना के हालात दिनों दिन खौफनाक होते जा रहे हैं। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 50,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, मरीज खुद ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं। कहीं अस्पताल में आईसीयू तो है, लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन बिहार की सरकार और पुलिस सुशांत केस में वाहवाही लूटने को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नजर आती है। नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि जैसे बिहार में सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। सुशांत सुसाइड केस बिहार के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन सिर्फ सुर्खियां बटोरने के चक्कर में सरकार बाढ़ और कोरोना जैसी बड़ी और भयंकर समस्याओं को दूसरे पायदान पर धकेल रही है।
पटना से रोहित सिंह बिहार तक।